सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, Xiaomi ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर अपना Redmi Note 7 लॉन्च कर दिया था चाइना में, बहुत ही कमाल के प्राइस पॉइंट पे, बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन हम सारे को प्रोवाइड कराया था। लेकिन आज ऑनर ने भी अपना एक बजट सेगमेंट या बोल सकते हो मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है ऑनर 10 लाइट। और आप में से यार बहुत सारे लोग यहां पर पूछ रहे कि भाई ऑनर 10 लाइट को अभी ले ले या Xiaomi Redmi Note 7 का वेट करे। तो आज की इस वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दोनों फोन का एक्जैक्टली मैं कंपैरिजन करके बता दूं, अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं कि भाई आप लोगों के लिए यहां पर दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है और क्या आपको Xiaomi के फोन का वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसी बात पर कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आई होप के यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So friends, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के प्राइस पॉइंट की। तो Honor 10 Lite का 4GB 64GB वाला वेरिएंट आपको इंडिया में 14,000 की प्राइस पॉइंट पे मिलता है, जबकि अगर हम बात करते हैं Redmi Note 7 की यहाँ पर 4GB 64GB वाले वेरिएंट की, तो चाइना जो प्राइसिंग है इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करके बताओ तो लगभग 12,500 का आपको 4GB 64GB वाला फोन पड़ता है। और इंडिया में भी बताया जा रहा है आपको 13,000 के आसपास की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 1,000 का आपको फर्क देखने को मिलता है दोनों फोन के प्राइस पॉइंट की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के कंपैरिजन की। तो बिल और डिजाइन से हम स्टार्ट करते हैं। दोनों में आपको ग्रेडिएंट फिनिश वाला बैक पैनल देखने को मिलता है, डुअल कलर वाला फिनिश देखने को मिल जाता है। दिखने के मामले में दोनों ही फोन काफी बढ़िया देखने को मिलते हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट देखने को मिलता है। Redmi Note 7 की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्लास और मेटल का कॉम्बिनेशन वाली बिल्ड क्वालिटी मिलती है, जबकि Honor 10 Lite में आपको यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट वाली यहाँ पर बैक पैनल प्रोवाइड कराया गया है। सीधी से अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिजाइन के मामले में दोनों ही फोन काफी जबरदस्त है, लेकिन अगर आप बात करते हो बिल्ड क्वालिटी की और प्रीमियमनेस जो आपको हाथ में फील देगा वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है Xiaomi Redmi Note 7 में। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में काफी ज्यादा सिमिलर डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों में आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। स्क्रीन साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑनर के फोन में 6.2 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जबकि रेडमी नोट 7 में आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और Xiaomi में एक और एक चीज ये अच्छी मुझे लगी कि यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जबकि ऑनर के फोन में आपको कोई भी यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती है। ऑनर का खुद का टफन ग्लास जो बोलते हैं वो आपको देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले की बात करें तो दोनों का शार्प क्लियर और पंची रहने वाला है, तो कोई भी दिक्कत आपको दोनों डिस्प्ले से देखने को नहीं मिलेगी। रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको एक चीज सिमिलर है दोनों फोन में, कि यहाँ पर आपको दोनों फोन में हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है। मतलब अगर आप दो सिम लगाओगे तो मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हो, एक सिम और एक मेमोरी कार्ड आप एट अ टाइम यूज कर सकते हो। लेकिन अच्छी चीज यह है कि यहाँ पर आपको दोनों फोन में डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको Redmi Note 7 में स्नैपड्रैगन का 660 देखने को मिलता है, जो कि पूरी स्पीड पर यहाँ पर वर्क करेगा, अंडरक्लॉक नहीं है। जबकि अगर हम बात करते हैं Honor के फोन की तो यहाँ पर भी आपको फुल फ्लैश किरिन का 710 देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है, पावर एफिशिएंसी के मामले में भी काफी जबरदस्त है। तो दोनों ही प्रोसेसर में डे टू डे टास्क आपका आराम से मस्के की तरह चल जाएगा, और गेमिंग परफॉर्मेंस पबजी वगैरह सारी चीजें दोनों ही फोन में आप आराम से कर सकते हो। परफॉर्मेंस भी दोनों फोन का इक्विवेलेंट रहने वाला है और आप बोल सकते हो कंपेरेबल है। तो परफॉर्मेंस अगर आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो दोनों में से आप कोई भी फोन को यहाँ पर पिक कर सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के कैमरास की, तो यहाँ पर कम्प्लीटली स्टोरी चेंज हो जाती है। Redmi Note 7 की बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा f1.8 अपर्चर के साथ में, जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग वाला देखने को मिल जाता है। और आपको बता दूं यहाँ पर Honor 10 Lite के सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको बैक में डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है f1.8 अपर्चर के साथ में, जो सेकेंडरी कैमरा है वो Honor का फेवरेट आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग वाला देखने को मिल जाता है। दोनों ही का जो कैमरा है वो आपका मैक्स 1080p तक के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। और यहां पर आपको Xiaomi के फोन में EIS भी देखने को मिल जाता है, Honor के फोन में आपको EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो यहां पर Honor बाजी मार जाता है, क्योंकि Honor के फोन में आपको देखने को मिलता है 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा स्क्रीन फ्लैश के साथ में, जबकि Xiaomi के फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर वाला स्क्रीन फ्लैश के साथ में सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अगर आपकी प्रायोरिटीज है या रेयर कैमरा में डेफिनेटली आपको बेटर देखने को मिलेगा Xiaomi के फोन में, बट अगर आपकी सेल्फी लेने के ज्यादा शौकीन हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो Honor के फोन के साथ में। बाकी दोनों ही क्या, यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा कैमरा कंपैरिजन करने की जब भी Redmi Note 7 इंडिया में आ जाता है। बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के एंड्रॉइड वर्जन और UI की, तो दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको पाई के साथ में देखने को मिलता है, जो कि अगेन अच्छी बात है दोनों कंपनीज के लिए।
लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेट यहाँ यूआई की बात करें तो वो डिफरेंट है। यहाँ पर Xiaomi के फोन में आपको MIUI 10 पे रन करता है जबकि इमोशन यूआई पे रन करता है ओनर का फोन। तो यहाँ पर पर्सनल चॉइसेस रह सकती है, बहुत सारे लोगों को EMUI पसंद है, बहुत सारे लोगों को MIUI पसंद है। बाकी आपका फेवरेट UI EMUI या MIUI मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सेंसर्स की बात कर लेते तो यहाँ पर आपको दोनों फोन में सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दोनों फोन में बैक साइड में मिलेगा और फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपको Redmi Note 7 में 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, QC4 तक ये सपोर्ट करता है। जबकि अगर हम बात करते हैं Honor 10 Lite की तो यहाँ पर बैटरी आपको थोड़ी छोटी मिलती है 3400 mAh की, टाइप सी भी नहीं है आपको, यहाँ पर माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिलता है और साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो यार ऐसा नहीं है कि ओनर का फोन की बैटरी बेकार है, वो भी अच्छी एक दिन की आपको बैकअप दे देगी। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो रेडमी के साथ में तो थोड़ा बहुत आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। लेकिन Xiaomi के फोन में ये अच्छी लगी कि भाई टाइप सी भी दी है और आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये था दोनों फोन का कंपैरिजन। अब आप पूछोगे कि भाई Honor 10 Lite को परचेज कर ले या रेडमी नोट 7 का यहाँ पर वेट करें। अब मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सीधे सीधे अगर मैं आपको बताऊं तो यार देखो, अगर दोनों फोन में से कोई पिक करना रहे तो मैं बोलूंगा ओवरऑल जो विनर फोन है वो है Xiaomi Redmi Note 7, बिकॉज ऑफ आपको बिल्ड क्वालिटी वहां पर बेटर देखने को मिल रही है, रियर कैमरा है काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग मिल रही है, टाइप सी मिल रहा है और बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। और यह प्राइस पॉइंट भी आप बोल सकते हो 1 से 1.5 हज़ार कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है Redmi Note 7 की। Honor 10 Lite की बात करें तो 14,000 के हिसाब से मुझे ठीक लगा फोन, इतना कोई बेकार नहीं है, अच्छा ही फोन यहाँ पर Honor ने इंडिया में लॉन्च कराया। लेकिन वहाँ पर अगर आप Redmi से कंपेयर करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्फी कैमरा वहाँ पर बेटर देखने को मिल रहा है, उसके अलावा कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं है कि जो आपको Redmi सब बीट करते हुए आगे निकल पाएगी। तो सेल्फी कैमरा अगर आपको चाहिए और अभी के अभी आपको फोन यार इमरजेंसी बहुत ज्यादा है तब आप Honor 10 Lite को परचेस कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 महीने का वेट कर सकते हो मैं बिल्कुल बोलूंगा यार पैसे को सेव कर लो, थोड़ा जमा कर लो और Redmi Note 7 के लिए वेट कर लो। ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यार, ऑनेस्ट कंपैरिजन। आई होप कि आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स में पता लग गई रहेगी सारी बातें। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपके हिसाब से Honor 10 Lite बेटर है या Xiaomi Redmi Note 7 बेटर है, जो भी फोन बेटर है और क्यों बेटर है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि मेरी तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।